एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन ने कल उन्होंने चिट्ठी लिखी सी टू द चेयरमैन ऑफ द SIT क्योंकि ये 5 मैंबरी कमेटी है और हैड सब तो सीनियर अफसर ने ADGP साहब प्रबोध कुमार जी कि आई विल बी अवेलेबल टू यू एंड मैं वो चिट्ठी की सारी कॉपी थोनू दे देना कि आई विल बी मोर दैन हैप्पी टू असिस्ट यू। सो जब उन्होंने कल चिट्ठी लिख के बेनती की कि एडा तुसी ये है तो पोलिटिकली मोटिवेटेड क्योंकि ये FIR थोनू थोड़ा भंबल पूसा पाया जा रहा है ये 307 के केस बारे तो बादल साहब ने बड़े ऑबवियसली तुसी सारे हैरान परेशान हो कि 307 के केस च बादल साहब नू कित्थों 129 नंबर FIR तदे कल चेयरमैन साहब नू लिखिया सी कि तुसी आप आए हो तुसी सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो तो सारे आ जाओ बेशक मगर आयो तुसी जरूर आप क्योंकि ये ना हो कि फॉर्मर CM नू तुसी कर रहे हो इनवेस्टिगेट तो तुसी आप ना हो। मैं चिट्ठी दे कंटेंट्स जे तुसी कहो तो 2 मिनट पढ़ दें ये च टू श्री प्रबोध कुमार जी IPS ADGP चेयरमैन SIT काइंडली रिफर टू द अबव नोटिस वेयर माई प्रेजेंस हैज़ बीन रिक्वायर्ड रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ FIR नंबर 129 डेटेड 7/8/2018 अंडर सेक्शन 307 IPC पुलिस स्टेशन कोटकपूरा इनिशियली ऑन 16/11/2018 एट 2:30 PM एट सर्किट हाउस अमृतसर विच वॉज लेटर सब्सटीट्यूटेड एज प्लेस ऑफ योर कन्वीनियंस एज यू आर अवेयर दैट सेक्शन 160 CRPC मैंडेट्स नो मेल पर्सन अबव 65 years ऑफ एज शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर दैन द प्लेस इन विच सच मेल पर्सन रिसाइड्स इन कंप्लायंस देयरफॉर आई शैल कीप माई सेल्फ अवेलेबल टू यू प्रबोध कुमार जी ऑन द सेट डेट एंड टाइम एट वन ऑफ माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस मैंशन इन द नोटिस डेटेड 12/11/2018 MLA फ्लैट नंबर 35 Sector 4 चंडीगढ़ आई रिट्रिएट माई कमिटमेंट टू कोऑपरेट विथ एनी इंडिपेंडेंट इम्पार्शल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन एज अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड लॉ इन द हाईएस्ट एस्टीम ऑल माई लाइफ सरदार प्रकाश सिंह जी बादल। जदों ये आए कुंवर विजय प्रताप प्रबोध कुमार जी नहीं सन बाकी दे मैंबर नहीं सी। सो जस्ट शोज कि तुसी पहला तो इंडिपेंडेंट इंडिया च पहली बारी होया कि किसी मुख्यमंत्री नू 307 रख लिया जे रख लिया तो फिर गंभीरता तो विखाओ क्योंकि असी सब चाहुंदे सच्चाई सामने आवे फिर सियासत ना होवे फिर होवे इन्वेस्टिगेशन। ते CM साहब ने कुंवर विजय प्रताप नू ये रिक्वेस्ट की कि तुसी मेरी प्रबोध कुमार जी नाल गल करा सकते हो वो मेरी गल करा दिओ। उन्होंने फोन मिलाया प्रबोध कुमार जी नू प्रकाश सिंह जी बादल ने यही बेनती की कि तुसी हैड हो तुसी ADGP रैंक दे हो सब तो सीनियर मोस्ट तुसी हो मैं सबका मुख्यमंत्री हाँ तो मैं ये चाहना कि सच्चाई सामने आने लई एडा संवेदनशील मामला है यदी सीरीयसनैस नू वेखदे हां भावें हो सब पोलिटिकली मोटिवेटेड रहा है फैसला यदा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देना साइन कल्ले इन्हां दे होना मगर मैं फिर भी चाहना कि मेरा पक्ष भी आवे तो तुसी आप आओ तो मैं काफ़ी हैरान सी कि वो आप समा ना कढ के आए तो की ये पोलिटिकलाइजेशन नहीं हो रहा जे कोई SIT का चेयरमैन समझे कि मैं सरदार प्रकाश सिंह जी बादल नू दी पुछगिछ च नहीं आना चाहता तो फिर ये सवाल चिन्ह च आना इसलिए बादल साहब ने आप रिसीव किया लाइक ऑलवेज उन्होंने घर कोई भी आया भावें वह सधारण है भावें वह उच्च कोटि का कोई है भावें वह विरोधी धिर के लीडर है उन्होंने हमेशा आपके घर आने वाले जी आया आख्या उसका सत्कार किया मान किया तो अज भी मगर वो ये जरूर चाहते सन कि SIT के 5 मैंबर आन हैडड बाय SIT हैड एंड जो कुंवर विजय प्रताप बारे जो बाकी गल्लां सी थोनू कल करती सी। सो असी नहीं चाहते कि जिस अफसर के मन च कोई बायस हो वो मुड़ के अफसर की करता फिरूगा नहीं असी यह भी मंग की है कि सानू कॉपी भी दे के जायो जो पुछगिछ होई है जो तुसी करना सानू भी कॉपी दे के जायो किथे ये ना हो असी कहीए कुछ तो पेश कुछ हो जाए मगर जे चेयरमैन आऊगा तो फिर वो भी गल्लां टेकअप करांगे। सो मैं
chairman assured us that he will, that's what he said to Mr. Badal, what I heard, that he said he will be here in 10 minutes. So we are waiting for the chairman also. ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪਰੀਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ SIT ਹੈੱਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ SIT ਹੈੱਡ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੋਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਇਓ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵੇਟਿੰਗ ਫੋਰ ਯੂ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ